के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने किया कलश स्थापना। 9 दिनों तक चलेगी माँ दुर्गा की आराधना। दशहरा को निकलेगी भव्य विजय शोभा यात्रा। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए डीएम ने बढ़ाई छुट्टी की तारीख। अब 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर को बंद रखने के दिए आदेश। 1 अक्टूबर को खुलेंगे सभी स्कूल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तरकुलहा माता के मंदिर। मुख्यमंत्री ने किया विधि विधान से पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2,12,88,000 की लागत से तरकुलहा मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, हम शहीद बंधु सिंह जैसे शहीदों के बलिदान एवं त्याग को हमेशा रखना है याद तथा समझना होगा आजादी की कीमत को। साहित्य अकादमी की ओर से प्रख्यात हिंदी कवि एवं समालोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 72 सदस्यता का किया गया अर्पण। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 2 पुस्तकों का भी हुआ विमोचन। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। महंत अवैधनाथ को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। यूथ पावर एसोसिएशन एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जल है तो कल है विषय पर आयोजित हुई परिचर्चा। जल के संरक्षण पर वक्ताओं ने रखे विचार। प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। महाराजा अग्रसेन की 5,143 जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सुसज्जित झांकियां बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ तरकुलहा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्त मन से तरकुलहा माता से जो भी मुरादें मांगता है वो हो जाती है पूरी। डफ वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर और समाज शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल वीक ऑफ द डफ 2019 के अवसर पर आयोजित हुई कार्यशाला। दिव्यांगों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। नवरात्र के प्रथम दिन गोलघर स्थित महाकाली मंदिर में मां के भक्तों ने की मां काली की आराधना। मनोकामना पूर्ति के लिए मां के दरबार में झुकाया अपना सिर। और नवरात्रि के प्रथम दिन माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। माता के जय घोष के साथ भक्तों ने दिया समाज को शांति का संदेश।